कर्नल अजय जी, यहीं से बात करेंगे सोयाबीन की। तो सोयाबीन पर आपने कल ही मार्केट आम सीवी के माध्यम से बताया था, सोयाबीन पर काफी अच्छा विश्लेषण दिया था। आज देख रहे हैं कि आज भी सोयाबीन सस्टेन होकर चल रही है, तेजी की ओर ही लग रही है वायदा बाजारों के अंदर। आपके मुताबिक जिस हिसाब से इस बार जो सोयाबीन है उसके आंकड़े ज्यादा बताए जा रहे हैं कि सोयाबीन का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले सोपा के अनुसार लगभग 14 से 15% ज्यादा रह सकता है, सरकारी अनुमान सोपा के आंकड़े से भी ज्यादा है, और दूसरा पोल्ट्री इंडस्ट्री आयात की मांग कर रही है, आपको क्या लगता है? जब घरेलू स्तर पर ही, जब अपने घर में ही सब कुछ सामान मौजूद है, तो क्या तब भी विदेशों से खरीदना सही रहेगा? क्या क्या ऐसा नहीं हो सकता कि विदेशों के लोगों की इनकम बढ़ाने की जगह अपने किसानों की इनकम बढ़ाई जाए और सरकार के 2022 तक किसानों की इनकम दोगुनी करने के लक्ष्य में इसमें योगदान दिया जाए? अखिलेश जी, देखिए बहुत अहम सवाल आपका है। जब सरकारी आंकड़े सोयाबीन के बहुत सकारात्मक हैं, सोपा ने भी 119 लाख टन की आंकड़े जारी कर दिए हैं और बड़ी मजबूती से जारी किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आयात की कहीं भी आवश्यकता होगी जी। अब सवाल यह होता है कि यदि सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ और कमी करती है, आयात की अनुमति देती है, जो पोल्ट्री फार्म यानी मुर्गी पालक हैं उनकी बात को सुन के आयात की अनुमति देती है, तो फिर मेरा एक प्रश्न है कि फिर इन सरकारी आंकड़ों की जरूरत क्या है? फिर सोपा जैसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के उन आंकड़ों की विश्वसनीयता क्या है? जब आपके पास 10 से 15% आपने बताया कि प्लस आपके पास फसल है, आपके पास उत्पाद है, तो फिर आयात की जरूरत क्या है? आपके घर के अंदर जब पर्याप्त साधन है तो आपको बाहर से क्यों करनी पड़ेगी? मुझे याद है कि पुराने जमाने के अंदर जो अक्सर लोग एक कहावत कहते थे कि कोई जब भैंस का कोई चोर होता था, तो यदि वो भैंस चुराने आता था तो यदि उत्तर के अंदर वो भैंस ले जाता था, दक्षिण के अंदर वो भैंस की जो गले के अंदर जो घंटी होती थी उसको उतार के जो दूसरा चोर होता था वो दक्षिण दिशा के अंदर ले जाता था घंटी बजाते हुए, और जबकि असली चोर जो है वो भैंस को उत्तर दिशा में ले जाता था, यानी दिशा भ्रमित करने का प्रयास होता था जिससे आसानी से चोर अपना कार्य कर लेता था। मेरा उद्देश्य किसी को चोर साबित करना नहीं है, मेरा उद्देश्य एक ये मामूली सी एक पुरानी घटना या पुरानी कहावत को या गांव के लोगों की बात बताने का है कि अक्सर जहां पर निशाना लगाना होता है उसकी उस वहां पर बात नहीं होती है, दूसरी तरफ ले जाया जाता है, और ये लड़ाई के मैदान के अंदर भी उतना ही कारगर ये फार्मूला है जिसे हम फॉल्स फ्रंटेज कहते हैं कि यदि हमला उत्तर दिशा में करना है तो गतिविधियां दक्षिण दिशा में दिखानी होती है ताकि दुश्मन उसे भ्रमित हो जाए और अपनी फौज वो दक्षिण दिशा में भेज दे और उत्तर के अंदर फौज पूरी नहीं पड़े और आप वहां पर आप हमला करके वहां पर आप अपना कब्जा कर लें। ये एक बहुत पुरानी सदियों पुरानी परिपाटी रही है। यदि महाभारत का भी युद्ध देखें आप कि अभिमन्यु को मारने के लिए, उसका वध के लिए उसको, तो अर्जुन को वहां से हटाया गया था ताकि अर्जुन चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु की सहायता ना कर पाए। ऐसा सा कुछ बाजारों में भी अक्सर देखने को मिलता है कि आंकड़े कुछ और दिखाई देते हैं, ग्राउंड रियलिटीज कुछ और होती हैं और जनता या व्यापारी कुछ और करते नजर आ रहे हैं। तो पॉइंट यह है कि मैं बिल्कुल ये बड़ी मजबूती से कहना चाहता हूं कि जब आपके पास पर्याप्त सोयाबीन है तो फिर आयात की जरूरत क्या है? या फिर कहिए कि ये ना, ये आंकड़े विश्वसनीय नहीं है। और जहां तक सवाल सोयाबीन की प्राइसिंग का अप एंड डाउन है, वो सोयाबीन की प्राइस का की तेजी मंदी का आपके पास कोई तरीका नहीं है रोकने का, क्योंकि सोयाबीन के जो प्राइसिंग है वो इंटरनेशनल मार्केट से चलती हैं। आप सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी कम और ज्यादा कर सकते हैं, आप स्टॉक लिमिट लगा सकते हैं, आप इंपोर्ट कर सकते हैं, और होता यह है कि जैसे ही भारत इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ कमी की घोषणा करता है तो
सोयाबीन के जो निर्यातक देश हैं उतनी ही मात्रा के अंदर या उसके आसपास मात्रा में अपने प्राइसिंग बढ़ा देते हैं। गौरतलब है कि भारत खाद्य तेलों का या ऑयल सीड का सबसे बड़ा इंपोर्ट करने वाला देश माना जाता है, क्योंकि हमारी जनसंख्या 135 करोड़ से अधिक है और हमें हमारे पास तिलहन की जो फसल है वो इतनी नहीं है कि हमारी आबादी को उसका पूर्ति कर पाए, तो हमें इंपोर्ट करना ही पड़ता है, इसमें कोई दोहराय और कोई शक नहीं है। और इन आंकड़ों को ही हम लोग मैनेज कर रहे हैं, जो लोग मैनेज करते हैं, और उससे ही भ्रम पैदा होता है और किसान हर जगह पिटता है। ये आप देखिए, मैंने आपके टाइम्स टीवी चैनल के ऊपर पहले भी एक पॉइंट उठाया था कि जब सोयाबीन की दामों के अंदर 50-40% की गिरावट होती है तो आप एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी पे पहले भी सरकार को किसान ने माल नहीं दिया था, लेकिन एमआरपी जो मैक्सिमम रिटेल प्राइसिंग होती है खाद्य तेलों की, उसके ऊपर कौन नजर रखता है, ये मेरा एक पॉइंट है। एमएसपी की आप बात कर रहे हैं लेकिन एमआरपी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये बड़ी एडेबल ऑयल कंपनीज हैं, अपनी मनमर्जी से इनके दाम घटाती है और बढ़ाती है। और गौरतलब है कि एमआरपी पर जब तक सरकार नजर नहीं रखेगी, उसके ऊपर पैनी नजर नहीं रखेगी, आम उपभोक्ताओं को फायदा नहीं मिलेगा और किसान को भी फायदा नहीं मिलेगा, और जो ये बिचौलिए हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, ये पूरा फायदा ले जाती है। आदि आप रुचि सोया को देख लीजिए, भारत के अंदर सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, उसका जो 10-12-15 रुपए का शेयर आज 1100 रुपए का शेयर हो रहा है, और कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 98.8% की होल्डिंग है, सिर्फ 1.345% का जो है, मतलब 1.25% की जो होल्डिंग है वो जनता के पास है। और वो भी मजे वाली बात देखें कि वो भी है ना, बैंक के पास गिरवी रखी हुई है जो 98% की जो है। तो जो ये कंपनियां पैसा, अकूत पैसा कमा रही हैं, इनके ऊपर कौन लगाम लगाएगा, इनकी एमआरपी पे कौन नजर रखेगा, सोया रिफाइंड ऑयल जो आ रहा है उसकी तेजी के ऊपर कौन अंकुश करेगा, कोई नहीं कर रहा है। सवाल यह है कि आप एमआरपी के ऊपर हम लोग चिल्ला रहे हैं, एमआरपी की बातें कर रहे हैं, लेकिन एमएसपी के ऊपर बातें कर रहे हैं लेकिन एमआरपी कोई बात करने वाला नहीं है। तो मेरा मार्केट टाइम्स के टीवी के माध्यम से यही कहना है, यही बताना है कि प्लीज एमआरपी के ऊपर, मैक्सिमम रिटेल प्राइसिंग जो आम उपभोक्ता की है उसके ऊपर आप नजर रखिए, उसको कंट्रोल कीजिए, सारा खेल ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। जी अखिलेश जी, जी तो कर्नल अजय जी के मुताबिक तो सोयाबीन में अभी कुछ गिरावट की संभावना नहीं है, सोयाबीन में जो बढ़त है वो आगे जारी रह सकती है, लेकिन उन्होंने जाते जाते बहुत ही अच्छी बात ये भी कही है सोयाबीन के ऊपर कि एमएसपी की बात तो सभी करते हैं लेकिन एमआरपी की कोई बात नहीं करता। किसानों की एमएसपी पर सबकी नज़र रहती है कि एमएसपी इतनी है उतनी है, किसानों को मिल रही है नहीं मिल रही, लेकिन एमआरपी जब उत्पाद पूरा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है किसी उत्पाद से, फॉर एग्जाम्पल जैसे सोयाबीन है, तो सोयाबीन से सोयाबीन तेल बन गया या फिर सरसों से सरसों तेल बन गया, सरसों तो बिक गई कम में और जो सरसों तेल है वो बिक रहा है उससे ज़्यादा में, तो उस पर कौन नज़र रख रहा है, उनकी कीमतों पर कौन नज़र रखना है, ये एक बड़ा प्रश्न है। और दूसरा, जब सोयाबीन का उत्पादन इतना बताया ही जा रहा है तो भला फिर आयात की ज़रूरत ही क्या है, और पोल्ट्री को उस समय ही अपना स्टॉक बना लेना चाहिए था जब सोयाबीन नीचे में 1500-1600-1700 तक बिकती नज़र आ रही थी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।